दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार फिर। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में मैं साउंड चैप्टर लेकर के आया हूं, तो जो व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि ये नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन देगा। तो चलिए लेक्चर की तरफ मूव करते हैं और साउंड चैप्टर में सबसे पहले हम साउंड की डेफिनेशन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो व्हाइट बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर, तो पहले फुल स्टॉप तक समझिए कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी साउंड एक एनर्जी का रूप है। मैं यहां से आपको ये चैप्टर समझा रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं और आप इस फोन के माध्यम से समझ रहे हैं, कैसे मेरी बात आप सुन पा रहे हैं, किस एनर्जी के माध्यम से, साउंड एनर्जी के माध्यम से। ठीक, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया पूरा कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड विच मेक अस हियर। ठीक, अब मान लीजिए कि आप इस ए पोजीशन पर हैं और आपका फ्रेंड इस बी पोजीशन पर है, आप इस ए पोजीशन पर हैं और आपका फ्रेंड बी पोजीशन पर है और आपने अपने फ्रेंड को हेलो बोला तो उसने उसका आंसर दिया, इसका मतलब वो आपके इस हेलो को सुन पा रहा है ना, तो इसका मतलब कि साउंड ए से बी तक ट्रेवल किया, साउंड ए से बी तक ट्रेवल किया। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि साउंड ए से बी तक ट्रेवल किया कैसे, कैसे पहुंच गया ये साउंड एनर्जी ए से बी तक गया कैसे। तो देखिए उसका भी एक लाइन नीचे लिखा हुआ है कि साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, यानी साउंड वेव के फॉर्म में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ट्रेवल करती है। ठीक, इतना पॉइंट समझ में आया कि साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी साउंड एक पोजीशन पे या दूसरे पोजीशन पे या कहीं पे भी किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, इस वेव के फॉर्म में। ये आपकी बुक में या आपके टीचर सीधा डेफिनेशन लिखवा देते होंगे, बट अगर आपने इस वेव को नहीं समझा ना तो साउंड चैप्टर पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। वेव को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है साउंड के। ठीक, तो देखिए बहुत तरह की वेव्स होती है, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो साउंड की भी एक वेव होती है, वो वेव उस साउंड एनर्जी को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ट्रेवल करवाती है। तो इस वेव को समझते हैं हम दो चीज से, साउंड वेव को समझिए इन दो चीज से, एक मीडियम से और एक वाइब्रेशन से। तो बहुत अच्छा है कि मीडियम क्या होता है, मीडियम, व्हाट इज मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, एक लिक्विड, एक गैस, कुछ भी। ये एनवायरमेंट है, इस एनवायरमेंट में एयर है, तो एयर भी हमारे लिए एक मीडियम है। एक गिलास, उस गिलास के अंदर कुछ पानी रखा हुआ है सम अमाउंट में, तो वो पानी भी एक मीडियम हो गया और वो गिलास जो कि सॉलिड है वो भी एक मीडियम हो गया। ये व्हाइट बोर्ड भी एक मीडियम है, ये फोन भी एक मीडियम है, ये जो मार्कर है ये भी एक मीडियम। तो मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नाउ व्हाट इज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को आप समझिए कि मान लीजिए ये एक व्हाइट बोर्ड है, ये कुछ पार्टिकल से मिलकर बना है ना। अभी जब तक कि मैंने इसके ऊपर स्ट्राइक नहीं किया है तब तक इसके सारे पार्टिकल शांत है बिल्कुल, है ना। अब जैसे ही मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे मारा, आवाज आई, क्या हुआ कि मेरे इस स्ट्राइक करने से एक फोर्स पैदा हुआ, उस फोर्स ने इस व्हाइट बोर्ड के इतने पोर्शन के जो पार्टिकल्स थे इसको फोर्स लगाया, इसके फोर्स लगाने से वो पार्टिकल्स हिलने लगे, जिसे आप वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन मोड आपके फोन में होता है। ठीक है, इसे इससे समझिए कि ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर आपने एक सेलफोन रख दिया, ये क्या हमारा सेलफोन, यहां पे आपका ये ए पोजीशन है, ये बी है, ये सी है, ये बी पोजीशन पर आपका पेंसिल है, ठीक है, और डी पोजीशन पर आपका पेन। तो जब आप इस सेलफोन को, सॉरी यहां पे ई नहीं लगा, सेलफोन को वाइब्रेशन मोड पे लगाते हो और कोई कॉल आता है तो ये फोन वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब इस वाइब्रेशन से वेव पैदा होता है, क्या पैदा होता है, वेव पैदा होता है। वह वेव इस तरीके से पैदा हो रहा है, उसने बी को भी अपने में कांटेक्ट में ले लिया, जैसे ही इस वेव ने इस बी को कांटेक्ट में लिया ये बी वाला भी हिलना स्टार्ट हो जाता है, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है ना। आपने देखा होगा टेबल पे मोबाइल फोन वाइब्रेट करता है तो पेंसिल, पेन सब हिलने लग जाता है ना, तो उसी चक्कर में एक वेव पैदा होता है। जब ये फोन वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है तो एक वेव पैदा होता है, वो वेव इस बी पॉइंट यानी बी पेंसिल को भी अपने कांटेक्ट में ले लेता है, पेंसिल को जैसे ही कांटेक्ट में लेता है पेंसिल वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है, तो उससे भी एक वेव पैदा होता है, वो वेव फिर इस
पेन को कांटेक्ट में लेता है, फिर पेन वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, उससे भी वेव जनरेट हो रहा है, फिर एक आवाज पैदा होता है। तो इस तरीके से हमारा साउंड वेव्स ट्रेवल करता है, वाइब्रेशन होगा, ठीक, वाइब्रेशन से वेव पैदा हो रहा है, उस वेव से क्या हो रहा है, एक पोजिशन से बी पोजिशन पर साउंड एनर्जी ट्रेवल कर रहा है। अब समझ में आया कि वेव के माध्यम से साउंड एनर्जी एक पोजीशन से बी पोजीशन पर जा रहा है, बी पोजीशन से सी पोजीशन पर, सी से एयर में, इस तरीके से हमारा जो साउंड एनर्जी है वो वेव के फॉर्म में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रेवल करती है। तो वेव की डेफिनेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हाट इज वेव, तो वेव इज द वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम, वेव इज द वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम विच कैरी सम एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अनदर पॉइंट, एंड there is no actual contact between this point, these two point बोल सकते हैं, ठीक है, these two point या this point, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कह रहा कि sound एक vibratory disturbance है किसी भी medium, यानी sound एक medium के अंदर क्या है, vibratory disturbance which carry some energy, जिससे वो कुछ एनर्जी लेकर के चल रहा है, विच कैरी सम एनर्जी, कुछ एनर्जी ले रहा है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, एंड देयर इज नो एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस पॉइंट, और वास्तव में उन पॉइंट्स के बीच में जिस पोजीशन से एनर्जी ट्रेवल कर रहा है, जैसे यहाँ ए और बी और सी, इनमें आपस में तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं है कि ए बी से जुड़ा हुआ है, नहीं, जैसे ही ए ने वाइब्रेट होना स्टार्ट किया, ये एक मीडियम था, इस मीडियम ने जैसे ही वाइब्रेट स्टार्ट किया, इससे एक वेव जनरेट हुआ और इस वेव ने उस एनर्जी को कैरी किया, जिसे आप साउंड एनर्जी बोलते हो, उस साउंड एनर्जी बी तक पहुंच गया, किसके माध्यम से, वेव के माध्यम से, इस बी ने वाइब्रेट होना स्टार्ट किया, बी भी एक मीडियम है, जैसे ही इस बी मीडियम ने वाइब्रेट होना स्टार्ट किया, इससे वेव पैदा हुआ, वेव ने कुछ एनर्जी लिया, उस एनर्जी को सी तक पहुंचाया, वेव ने पहुंचाया, है ना। तो इस तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वेव के माध्यम से साउंड एनर्जी ट्रेवल करता है। समझ में आ गया आप लोगों को कि अब वेव क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साउंड वेव, यानी साउंड वेव्स के कौन कौन से टाइप्स है, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड सेकेंड इज ट्रांसवर्स वेव। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ेंगे, ठीक है। साउंड वेव्स दो टाइप्स के हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल पढ़ते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन लिखता हूं, फिर इसे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो व्हेन अ वेव इज पासिंग थ्रू एनी मीडियम, any medium, the particle of the medium vibrate back and forth in the same direction in which wave is moving। इस डेफिनेशन को समझिए कि मान लीजिए कि एक वेव है या साउंड वेव है, बोल सकते हैं किसी टाइप का है, अभी हमें नहीं पता कि वो कौन सा वेव है, हा? तो एक वेव है जो एक मीडियम से पास हो रहा है और उस वेव की डायरेक्शन ये है, है ना, वो ए से स्टार्ट होना जा रहा है और ये बी, इस वेव की डायरेक्शन ये है जो एक मीडियम से पास हो रहा है। जब ये वेव एक मीडियम से पास होगा तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे। तो वो वाइब्रेट कैसे हो रहे हैं, बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और जब ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो रहे हैं तो
तो इनकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, वेव की डायरेक्शन है। इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हेन अ वेव इज पासिंग थ्रू एनी मीडियम, जब कोई भी वेव किसी भी मीडियम से पास होगा, द मीडियम वाइब्रेट, तो मीडियम जो है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा, या बोल सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट, उस मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, इन द सेम डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इन विच द वेव इज मूविंग, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया लोंगिट्यूडनल वेव। अब इसका एग्जांपल क्या है, बहुत टीचर्स पूछ लेते हैं आप लोगों से कि लोंगिट्यूडनल वेव का एग्जांपल बताइए। देखिए हम कुछ भी बोलते हैं और हमारा दोस्त कुछ भी सुन ले रहा है, ठीक है, कहने का मतलब आपने अपने दोस्त को हेलो बोला और उसने सुन लिया। अब मैं बोल रहा हूं और आप इस फोन के माध्यम से सुन पा रहे हैं, है ना, तो हवा यानी एयर के अंदर ये जो वेव बन रहे हैं वो वेव लोंगिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है। ये लोंगिट्यूडनल वेव के कारण ही आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, ठीक है, आपकी आवाज को कोई सुन पा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जांपल था लोंगिट्यूडनल वेव का। अच्छा, अब लोंगिट्यूडनल वेव के लिए और नोट है कि लोंगिट्यूडनल वेव किसी भी मीडियम में पास हो सकता है, वो सॉलिड मीडियम में भी पास हो सकता है, वो लिक्विड मीडियम में भी पास हो सकता है, और वो गैस मीडियम में भी पास हो सकता है, ठीक है। अब इस लोंगिट्यूडनल वेव्स के दो पार्ट होते हैं, वन इज कंप्रेशन एंड सेकेंड इज रेरिफैक्शन, नॉट रेरिफ्रैक्शन, रेरिफैक्शन, ठीक है। तो इसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन एक डायग्राम के माध्यम से करता हूं। देखिए आप इन दो पोर्शन को देखिए, यहां पे ये डॉट बहुत दूर दूर है, लेकिन यहां पे ये डॉट बहुत पास पास है, तो जहां पे भी किसी भी वेव में या किसी भी मीडियम में वो जो पार्टिकल्स होंगे वो अगर बहुत पास पास है, ठीक है, व्हेन अ वेव इज पासिंग थ्रू अ मीडियम, जब कोई भी वेव एक मीडियम से पास हो रहा है, ठीक है, तो उस वेव के अंदर जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही आपको पास पास नजर आ रहे हैं, तो वो पोर्शन जो है वो लोंगिट्यूडनल वेव का कंप्रेशन पार्ट होता है। क्या होता है, कंप्रेशन पार्ट। और जहां पे भी आपको पार्टिकल्स बहुत दूर दूर नजर आ रहे हैं वो रेरिफैक्शन पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, रेरिफैक्शन पार्ट। अब मान लीजिए कि एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर मैंने चीनी के दाने बिखेर दिए। अब मैंने कहा आपको कि उस चीनी के दाने को इकट्ठा करो, तो आप हर डायरेक्शन में हाथ लगा करके उसे इकट्ठा करोगे एक पोजीशन पर। यहीं पे सेम है, यहाँ पे पार्टिकल्स को हर डायरेक्शन से फोर्स मिल रहा है और वो पास पास आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे उसको हाई प्रेशर मिल रहा है। तो ध्यान रहे कि कंप्रेशन के अंदर हमारा हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी होता है, यानी भार भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब आता है आपका रेरिफैक्शन पार्ट। अब रेरिफैक्शन पार्ट में पार्टिकल्स चूंकि बहुत दूर दूर है तो इसमें प्रेशर बहुत ही कम होगा, तो इसका क्या होगा, आपका लो प्रेशर, ठीक है, और रेरिफैक्शन पार्ट के अंदर भी लो डेंसिटी होगा, है ना, क्योंकि वो दूर दूर है तो इसका मतलब भार भी इनका कम है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन पार्ट आपका, ठीक है, लोंगिट्यूडनल वेव। तो लोंगिट्यूडनल वेव आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्स वेव, व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, तो सेम डेफिनेशन होगा बट इसमें कुछ चेंज होंगे। वो चेंज क्या होगा, देखिए ट्रांसवर्स वेव है ना, व्हेन अ वेव इज पासिंग थ्रू एनी मीडियम, जब कोई भी वेव किसी भी मीडियम से पास हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अभी मैं बाद में बताऊंगा वो पॉइंट, ठीक है, बट अभी समझिए कि व्हेन अ वेव इज पासिंग थ्रू एनी मीडियम, जब वेव किसी मीडियम से पास हो रहा है, ठीक है, देन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, जो पार्टिकल्स होंगे उस मीडियम के वो वाइब्रेट हो रहे हैं अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, टू द
डायरेक्शन इन विच वेव इज मूविंग, टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज मूविंग। मैंने बस थोड़ा सा पोर्शन एडिट किया, जहां पे बैक एंड फोर्थ था वहां अप एंड डाउन हो गया, जहां पे इन द सेम डायरेक्शन थे वहां पे क्या हो गया, टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज मूविंग। कहने का मतलब कि जब एक मीडियम से एक वेव पास हो रहा है, यानी ये एक वेव पास हुआ है ना, अब इस वेव ने क्या करा, उस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, और वो जो वाइब्रेशन हो रहा है ना वो इस वेव के परपेंडिकुलरली हो रहा है, परपेंडिकुलर यानी अप एंड डाउन। देखिए यहां पे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और आप परपेंडिकुलरली भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। जहां लॉन्गिट्यूडिनल वेव में बैक एंड फोर्थ और इन द सेम डायरेक्शन था, यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज मूविंग। ये किसकी डायरेक्शन है, वेव की, और ये किसकी थी, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन। समझ में आ गया आप लोगों को, ट्रांसवर्स वेव। अब इस ट्रांसवर्स वेव में क्या लोचा है कि ये सिर्फ दो मीडियम से पास हो सकता है, एक सॉलिड से और एक लिक्विड से, ये गैस मीडियम से पास नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूडिनल तीनों मीडियम से पास हो सकता है और ट्रांसवर्स सिर्फ दो मीडियम से पास हो सकता है। अब इस जहां की हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव के दो पार्ट्स होते हैं, एक कंप्रेशन और एक रेरिफिकेशन, उसी तरीके से ट्रांसवर्स वेव के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका क्रिस्ट और एक होता है थ्रो। इसे देखिए, मैंने यहाँ पे लाइन खींची, ये हमारा एक्स वाई है, जहां पे जीरो डिस्टरबेंस है, क्या है, जीरो डिस्टरबेंस। ठीक है, जीरो डिस्टरबेंस मतलब यहाँ के पार्टिकल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो अब यहां से एक वेव बनना स्टार्ट हुआ और ये इस तरीके से गया, तो यहाँ जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसे आप एलिवेशन भी बोलते हैं, इस एलिवेशन पार्ट को क्रिस्ट बोला जाता है, और ये डाउनवर्ड पार्ट जो है, ठीक है, डाउनवर्ड पार्ट जिसे आप मेनली डिप्रेशन बोलते हो, जहां पे इसे क्या बोला जाता था, एलिवेशन। तो किसी भी वेव का, यानी बोल सकते ट्रांसवर्स वेव का एलिवेशन पार्ट जो होता है वो क्रिस्ट कहलाता है, और ट्रांसवर्स वेव का डिप्रेशन पार्ट, डिप्रेशन पार्ट जो होता है वो आपका थ्रो कहलाता है। क्या कहलाता है, थ्रो, जरूर ध्यान रखना। ठीक है, एलिवेशन पार्ट क्रिस्ट कहलाता है और डिप्रेशन पार्ट थ्रो कहलाता है। अब अगले वीडियो में, ठीक है, साउंड चैप्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड मींस वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, और ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया हो। वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि और किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए। धन्यवाद।